हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 20 सितंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमार्ट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमार्ट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ्राइडे के दिन डीमार्ट में क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन डीमार्ट में जो है 3.80% का जो है पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिला है और साथ ही साथ ये क्लोजिंग के साथ आपको जो है एक नया 52 वीक रेंज जो है वो भी देखने मिला ही। आप देख सकते हैं डेज रेंज जो है 4294.65, तो यहाँ पे 52 वीक रेंज जो है वो भी है 4294.65। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है इसका 52 वीक हाई रेंज जो है क्रॉस होने वाला है या फिर कोई डाउन साइड इसमें देखने मिलने वाला, उसमें हम बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मंडे के लिए आपका क्या रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन जो है स्टॉक में बनने वाला है और ऑन द फेस ऑफ इट वन डे के चार्ट के हिसाब से जो है आपको क्या यहाँ पे हमारा ओपिनियन है उसमें भी जो आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं सीधा अपने वन डे के चार्ट में जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा वन डे का चार्ट जो है एक वॉल्यूम जो है एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे मैं कहूँगा देखने मिला है और यहाँ पे एक इशारा जो था एक बड़े मोमेंट का वो भी यहाँ पे जो है ये स्टॉक बता रहा था। ये आप देख सकते हैं दिन ब दिन जो है आपको ये स्टॉक जो है इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ते हुए देखने मिला है पिछले दिनों में। अगर आप जो है हर एक अपने जो है स्टॉक जिसको आप वॉच लिस्ट में रखे हैं तो यहाँ पे आपने उनका चार्ट जो एनालाइज नहीं किया तो आप जो है अपना जो है चार्ट ओपन करके कौन सा भी अपना जो एक फेवरेट स्टॉक है उस चार्ट को ओपन करके जो है आप उसका ये वॉल्यूम जो है बढ़ता हुआ देख रहे अब देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एवरेज वॉल्यूम के आसपास जो आ चुका है तो एक बड़ा वॉल्यूम ज़रूर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एक लो वॉल्यूम के साथ स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा, फिर उसके बाद एक एवरेज से थोड़ा हाई जो है एक वॉल्यूम देखने मिला। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लें तो एक बड़े वॉल्यूम के लिए जो है आप यहाँ पे रेडी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री ली होती है तो 2 दिन तक यहाँ पे जो एक बड़ा वॉल्यूम आपको देखने मिलता। तो यहाँ पे ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बात हो जाती है चार्ट एनालाइज सीखने की। चार्ट एनालाइज इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी स्टॉक के लिए और यहाँ पे जो है हम वही चाहते हैं कि आप जो है चार्ट एनालाइज में जो है बहुत ही अच्छे हो जाए और यहाँ पे जो है आपको कुछ ना कुछ हम जो है सिखाते रहे। इसकी वजह से हम हमेशा कहते हैं अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दे और ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस लाते हैं। तो आज भी हमने कुछ ऐसा ही किया, सैटरडे को 4 वीडियोस और संडे को 4 वीडियोस, यहाँ पे हम टोटल 8 वीडियोस जो है मंडे के स्टॉक्स के लिए लाए हैं और यहाँ पे उनका जो है फ्यूचर मतलब आने वाले दिनों के लिए जो है क्या उसमें जो है देखने मिलने वाला उसका भी जो आपको हिंट दे देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं RSI हमारा जो है एक ओवरबॉट एरिया में जो है वो आ चुका है जो यहाँ पे थोड़ा से कॉशियस होने का इशारा देता है। तो चलिए उसके लिए अब हम देखते हैं हमारा 1 आवर का चार्ट और उसमें हम बात करते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इसमें देखने मिलने वाला, खास करके मंडे के दिन क्या सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन जो है इसमें बनने वाला है। फिलहाल यहाँ पे मंडे का ऑन द फेस ऑफ इट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे और भी 52 वीक हायर जो इसके क्रॉस होने वाले हैं, बाकी यहाँ पे कंसोलिडेशन की थोड़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं जो है ये वीक कहूँगा, अगर यहाँ पे इस वीक के लिए यहाँ पे फिलहाल ये जो स्टॉक है न्यूट्रल सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी ये स्टॉक जो आपको अप डाउन मोमेंट ही देने वाला है एक ही कंसोलिडेटेड एरिया पे। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे दिया, तो यहाँ पे आप जो है उसको यूज़ करें अच्छी तरह से और जो है यहाँ पे एंट्री और एग्जिट अपना तय करें। तो चलिए यहाँ पे अभी 1 आवर के चार्ट में हम आपको रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन बता देते हैं जो आपका काम जो है आपका स्टॉप लॉस आपका टारगेट जो है आपका डिटरमाइन करने में, मतलब यहाँ पे जो आप कौन सा स्टॉप लॉस रखे कितना स्टॉप लॉस रखे कितना टारगेट रखे वो बताने में जो है ईजी कर देता है काम। तो यहाँ पे मैं आपका काम जो है वो ईजी कर देता हूँ अभी के अभी। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैंने मार्क कर दिया है दो सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस। इवन तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है 4256 का और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 52 वीक रेंज। जैसे कि मैंने कहा जब भी यहाँ पे कोई स्टॉक अपना 52 वीक हाई रेंज जो है वो क्रॉस करता है और यहाँ पे न्यू 52 वीक हाई जो है रेंज बनाता है तो न्यू 52 वीक हाई रेंज जो है वो इसका
एक नया रेसिंग जोन जो बन जाता है, और उसके बाद यहाँ पे बाकी जो है हम चार्ट के बेसिस पे आपको जो मार्क करके बताते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक में, जो आपको फिलहाल मंडे के लिए जो है आपको छोटा सा कंसोलिडेशन देखने मिल सके, छोटा सा रह सकता है, या फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पे जैसे कि मैंने वन डे के चार्ट में कहा, एक स्ट्रेट न्यूट्रल यहाँ पे कंसोलिडेटेड एरिया आपको वीकली में देखने मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी स्टॉक में जो है आपको, जैसे कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है, उसी के 10 या 15 पॉइंट के आसपास जो है आपको मंडे के दिन भी जो इसमें क्लोजिंग देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे जो आप अपना कंफर्मेशन कैंडल थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बता देता हूँ। ये 4182 से नीचे जब भी यहाँ पे स्टॉक गया, तो आपको 5 या 15 मिनट के चार्ट में अगर आपको 3 रेड कैंडल दिखे इसके नीचे क्लोज होते हुए, तो यहाँ पे आपका जो है डाउन साइड वापस स्टार्ट होगा, और यहाँ पे इस सपोर्ट तक ही वो जो है डाउन साइड आ सकता है, जो आपका टारगेट बन जाता है शॉर्ट करने के लिए। और अपसाइड के लिए ये जो जहाँ पे इसने क्रॉस किया उससे 5 या 10 पॉइंट जो है आपको अपसाइड में अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। याद रखें स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके चले, बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे कभी भी आप ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो है ट्रेड कभी यहाँ पे जो है आपके साइड होते हुए भी यहाँ पे जो है आपके रॉन्ग साइड चले जाए तो यहाँ पे आपको बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से आपको स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके चलना है, ताकि यहाँ पे जो आप अपना कैपिटल बचा पाए। और टारगेट आपको यहाँ पे सेट क्यों पहले से ही करना है, वो क्योंकि यहाँ पे जो है कभी भी जो है आपका 2 या 3 पॉइंट की वजह से यहाँ पे जो आपका टारगेट हिट होने से रह जाता है। तो यहाँ पे जो है आप पहले से ही टारगेट जो है अपना सेट करें, 2 और 3 पॉइंट अपसाइड में ही रखें अपने सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन, जो भी आप टारगेट रखें उससे। तो यहाँ पे जो आप अपना टारगेट जो है इजिली फटाफट जो है आप अपना हिट कर ले, और यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक कर ले। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।